Well, we are here in Davos और इस वक्त बिल्कुल इंडिया पर ज़बरदस्त फोकस है. एवरीबडी इज़ टॉकिंग एंड लुकिंग एट इंडिया एज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. इन दिस स्नो वी सी a hot destination for investments. At least that's the buzz. But actually, on ground, really, वाकई इंडिया की पोजिशनिंग बदली है. How is India perceived in the global setup? Telecom is one big area, and I have with me the biggest telecom company here from India, represented by Mr. Sunil Bharti Mittal. Thank you, sir. You know, India, आप हर बार डावोस आते हैं और हर बार हम देख रहे हैं इंडिया की प्रेजेंस बढ़ रही है. एक तरह से लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं as a attractive destination to invest. ये बात बहुत समय से है, बट एक्चुअल ऑन ग्राउंड हम वाकई ये चेंजेस देख रहे हैं. और क्या लगता है बदला है पिछले सालों में? नहीं, बहुत कुछ बदला है. देखिए, आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर 25 ईयर्स. एग्जैक्टली सर. और मैंने देखा है कैसे इंडिया का रुतबा बढ़ा है यहाँ पे. और हमने कुछ 10-12 साल पहले कैंपेन किया था, इंडिया एवरीवेयर, यहीं पे इंडिया एवरीवेयर. हाँ, बहुत बड़ा कैंपेन किया था मैं, नंदन, कुछ और लोगों ने मिल के. तो उस वक्त इंडिया का हमने बहुत ज़ोर से बातचीत की, बट ऑन ग्राउंड इतना हमारे पास नहीं था स्टेटस या स्टेचर जिस पे लोग हमें मानते. आज पोजीशन बहुत डिफरेंट है. आज मैं अभी ऊपर एक डिनर लंच से होके आ रहा हूँ. करीब 10-12 कांग्रेसमैन, सेनेटर्स थे और बड़े बड़े लोग थे. इंडिया की चर्चा बहुत ज़ोर से हो रही है. एवरीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया, एवरीबडी वांट्स टू कम टू इंडिया. इंडिया इन द इमर्जिंग वर्ल्ड अगर कहीं जाना है तो इंडिया ही है. इतनी बड़ी मार्केट है, लॉट ऑफ लार्ज कंपनीज आर देयर, कंफर्ट दे रहे हैं सबको. सो आई वुड से नाउ इट्स रियल. अब हमारी पोजीशन यहाँ पे एक बहुत डिफरेंट है. जब हम प्रोमेनाड पे वॉक करते हैं, कांग्रेस सेंटर में जाते हैं, सेशंस में बैठते हैं, एक अलग फीलिंग है, एक अलग फीलिंग है. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नाइस टू नो कि इंडिया को सीरियसली ले रहे हैं और जेन्युइनली इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. लेकिन सर, पॉलिसी फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनीबडी टू इन्वेस्ट इन इंडिया. आज कोई अपना पैसा भारत में लगा रहा है, रिटर्न्स चाहिए उनको, एक 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 क्लैरिटी, एक स्टेबिलिटी चाहिए. और ये एक चर्चा पहले थी कि वी वर नॉट वेरी गुड एट इट. वहाँ जो बदलाव आए हैं, हाउ ट्रांसफॉर्मेशनल हैव दे बीन? Very transformation. I think for our Prime Minister, ease of doing business was a mantra which he came with from Gujarat, and that has been his very big mantra. DNA. उनके ठीक करना, आसान करना है. जी. क्या और तेजी से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. क्या अभी तक काफ़ी कुछ हुआ है? मेरे हिसाब से बहुत कुछ हुआ है. मेरा अपना सेक्टर ले लीजिए, टेलीकॉम का, जो पिछला पॉलिसी चेंज आया है, बड़ा, इतना बड़ा चेंज मैंने 20-25 साल में नहीं देखा. AGR की डेफिनेशन चेंज होगी, SUC खत्म हो गया, रोज़ दर्रा मर्रा के टावर की परमिशंस ख़त्म ही कर दी गई, इंपोर्ट लाइसेंसेस स्क्रैप कर दिए गए, बैंक गारंटीज 80% वापस कर दी गई, राइट ऑफ वे के लिए रेगुलेशन आ गए. बहुत कुछ हुआ है. और अभी जो नया टेलीकॉम बिल आया है, इसके तहत और कुछ करना चाहते हैं. सो ये नहीं कि हमने कुछ कर दिया तो अब 10 साल कुछ नहीं होगा. वी आर ट्राई टू इम्प्रोवाइज इट एंड मेक इट बेटर, ईजियर फॉर द इंडस्ट्री टू इन्वेस्ट, टू प्रोलिफरेट डिजिटल नेटवर्क. मैं अपनी इंडस्ट्री से तो बोल सकता हूँ कि अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आई है, अगर वो बाकी सेक्टर्स भी महसूस कर रहे हैं, जो मेरा मानना है कि हेल्थ केयर में, हॉस्पिटैलिटी में, रियल इस्टेट में हो रहा है, मेरे को जो पता लगता है, आई थिंक वी आर गुड. बट सर, टेलीकॉम स्पेस में अभी भी जो कंसर्न्स है, इट्स एक्चुअली अ मार्केट ऑफ 2 प्लेयर्स. आई मीन 3 हम कह रहे हैं, बट 2 ही लार्ज डोमिनेंट प्लेयर्स हैं इस वक्त. और इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव होती हैं. तो मैं कैसे हम इस सेक्टर को देखें आगे बेहतर होते हुए? आपने कहा पॉलिसी का ज़रूर यहाँ इंटरवेंशन हुआ है, विच इज़ गुड, बट इट्स स्टिल अ टफ सेक्टर टू बी इन. इट्स यूज टू बी, अब तो सनराइज सेक्टर हम कह रहे होने चाहिए, पर अब जो चैलेंजेस अभी भी रियल हैं सर, वो क्या है? देखिए, एक तो हमारे कंट्री में आरपू जो है जी, वो सबसे रेवेन्यूज बहुत कम है. अगर आप देखें दुनिया में कहीं भी कंपेयर करें तो बहुत कम है. कॉस्ट वही है, वही इक्विपमेंट है, वही टावर्स हैं, वही नेटवर्क है, वही 4G है, वही 5G है, वही फाइबर है. तो कॉस्ट बहुत हाई है. हमारे टैक्सेस भी अभी हाई हैं. उसकी हमारी लगातार गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेशन चलती रहती है कि इसको थोड़ा रैशनलाइज करें. कुछ हुआ है, SUC कम हुआ है, LF लाइसेंस फी कम होनी चाहिए, GST शायद कम होना चाहिए, इंपोर्ट ड्यूटीज़ में कुछ आसानी होनी चाहिए. बिकॉज अगर डिजिटल इंडिया से ही सारा कुछ आगे बढ़ना है, जो कि हम सब मानते हैं, तो इसको थोड़ी सहूलत देनी चाहिए. रही बात कि 2 ऑपरेटर 3 ऑपरेटर रह जाएंगे, उसका फ़र्क नहीं पड़ता. अमेरिका जैसी कंट्री में भी 3 ही ऑपरेटर हैं. इनफैक्ट अगर ऑपरेटर 3 हों, बड़े, अब प्राइवेट हों, 1 पब्लिक 2 प्राइवेट हों, वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, इकोनॉमिक केस बनेगा. क्योंकि वही तारा बिछा रहे हैं, वही दूसरा बिछा रहा है, वही फाइबर तीसरा बिछा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है. तो मेरे हिसाब से 2-3 तगड़े, अच्छे, सस्टेनेबल, मजबूत टेलीकॉम प्लेयर्स अगर हों, तो डिजिटल जो सपना इंडिया का है उसको साकार पूरी तरह किया जा सकता है. और बहुत दूर तक तो हम चले गए। अगले 2 साल में देखिए 5G की वजह से कैसे एक नया बदलाव आता है। किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आपका ग्रुप कर रहा है सर? यू आर ऑफ कोर्स लीडिंग द पैक। आप जो करते हैं वो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे देखेंगे 2023-24 अगले 2 साल जो आपने कहा, इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर योर कंपनी इफ यू कैन गिव अस अ सेंस। देखिए हमारी कंपनी 20-21 हज़ार करोड़ तो हर साल लगाती है नेटवर्क्स में। जी। अब 5G की वजह से अगले 24 महीने में ऑब्वियसली एक्सेलरेशन बहुत होगी, तो 20-1 हज़ार करोड़ की वजह 30 हज़ार करोड़ के रेंज में जाएगा हर साल। तो अगले 2 साल 2.5 साल में 30 करोड़ ईच ईयर का मतलब है 60-70 हज़ार करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट होनी है वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में होगी। और फिर सिर्फ हम ही नहीं, हमारे कंपेटिटर्स भी करेंगे, तो इससे पूरा इकोसिस्टम जो इन्वेस्टमेंट का है उसको बड़ी एक आई वुड से एक्सेलरेशन मिलेगी। सर आपके जो इन्वेस्टर्स हैं दे लुक एट यू, और जिस तरह से आपने परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले सालों में एक ग्रीन शूट्स दिख के अब हम उसमें पॉजिटिविटी देख रहे हैं, तो क्या भरोसा बताएंगे दिखाएंगे? क्योंकि ये सेक्टर पर सबका भरोसा थोड़ा हिल गया था, तो नाउ हाउ शुड दे लुक एट योर कंपनी? मेरा ख्याल तो काले बादल छट गए हैं, काफी 4-5 साल जद्दोजहद रही है, बहुत दिक्कत रही है, बहुत ही मुश्किल रही। बड़ी कंपनियां बंद हो गई, बड़ी कंपनियां लड़खड़ा गई, NCLT चली गई, बंद हो गई, हमने कहीं खरीदी। और आपने उसमें भी मेंटेन किया, आप मेंटेन किया। देखिए ये तो बिल्कुल निष्ठा के साथ काम किया है, पूरी इन्वेस्टमेंट की, काफी पैसा रेज किया, डाइल्यूशन किया अपने इक्विटी का, ताकि कंपनी एक बैलेंस शीट हेल्दी रहे, क्योंकि बहुत ये आसान नहीं है। फॉर श्योर। तो आगे क्या दिख रहा है सर फ्यूचर? ये बड़ा अच्छा फ्यूचर लग रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में डिजिटल के बेसिस पे जो इंडिया स्टैक है, जो पूरा आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिटी का बेसिस है, आधार वगैरह का EKYC, पेमेंट का है, जो डिजिटल लॉकर है, ये सारा मिला के अगर पूरी देश की जनता 1.4 बिलियन पीपल इसी के बेसिस पे अपना सारा काम करेंगी, अपना जीवन जिएंगी, तो आप मान सकते हैं कि इसका तो असर दिखेगा। ऑल राइट, वंडरफुल सर, लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड टाइम्स एंड इन दिस सेक्टर स्पेसिफिकली। थैंक यू सो मच सर, ऑलवेज अ प्लेजर।